जय हिंद मित्रों, लोकतांत्रिक देशों में सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में कोयले की किल्लत से विभिन्न थर्मल परियोजनाओं को बिजली उत्पादन में दिक्कत आ रही है। सत्ता पक्ष प्रयास कर रहा है, पर विपक्ष की भूमिका सराहनीय नहीं कही जा सकती। सुखद स्थिति है कि ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन आदरणीय इंजीनियर शैलेंद्र दुबे समय समय पर अपनी आवाज़ बेहतर तरीके से उठाते हैं और उनकी बातों को भी चाहे संघ की सरकार हो या विभिन्न प्रांतीय सरकारें हों बड़े ध्यान से सुनती और समझती हैं। हम सभी जानते हैं कि गर्मी के दिनों में कोयले की कमी के चलते विभिन्न थर्मल परियोजनाओं को बिजली उत्पादन में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। कोयला जैसे मसले पर विपक्ष की भूमिका सक्रिय नहीं रही है, वह इसके बारे में कोई अपनी स्पष्ट नीति नहीं बना सका। केंद्र सरकार यह प्रयास कर रही है कि देश भर की जो विभिन्न थर्मल परियोजनाएं हैं वे विदेशों से कोयला आयात करें, पर प्रांतीय सरकारों के अधीन वाले विभिन्न थर्मल परियोजनाओं को केंद्र सरकार के निर्धारित मानक के अनुरूप कोयला के आयात करने पर काफ़ी कुछ अदा करना पड़ेगा। आइए हम जानते हैं इस संदर्भ में ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन का क्या मानना है और उसने कैसा पत्र लिखा है। कोल इंडिया के मूल्य पर राज्यों को आयातित कोयला दिलाए भारत सरकार। इंजीनियर शैलेंद्र दुबे चेयरमैन AIPEF अर्थात ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन विस्तार से जानते हैं। विद्युत अभियंताओं ने भारत सरकार से कोयला आयात करने की जिम्मेदारी लेने की मांग की और कहा इसे कोल इंडिया के मूल्य पर राज्य को उपलब्ध कराया जाए। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 11 के अनुसार भारत सरकार राज्यों को निर्देश नहीं दे सकती है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन अर्थात AIPEF ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को भेजे पत्र में मांग की है कि चूंकि कोयला संकट के लिए राज्य की उत्पादन कंपनियां किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं और यह बिजली मंत्रालय की पूरी तरह से विफलता का परिणाम है, इसलिए बिजली मंत्रालय को कोयले का आयात करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयातित कोयला मौजूदा CIL अर्थात कोल इंडिया दरों पर राज्य के बिजली उत्पादन घरों को उपलब्ध कराया जाए। भारत सरकार की नीतिगत चूकों के परिणाम स्वरूप कोयले की कमी के लिए राज्यों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। विद्युत मंत्रालय की ओर से नीतिगत चूक के लिए उच्च लागत वाले आयातित कोयले के माध्यम से राज्यों पर वित्तीय बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन इंजीनियर शैलेंद्र दुबे द्वारा भेजे गए एक पत्र में कहा गया है कि कोयला आयात के मामले में केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 11 के तहत राज्यों को निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है। धारा 11 के पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 11 को लागू करने में केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र ऐसी जनरेटिंग कंपनी तक ही सीमित है जो उसके पूर्ण या आंशिक रूप से स्वामित्व में है। राज्य सरकार के स्वामित्व वाले उत्पादन घरों के मामले में धारा 11 को लागू करने के मामले में यह राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है। भारत सरकार के 18 मई 2022 के पत्र का क्षेत्राधिकार और प्रयोज्यता इसलिए NTPC या NTPC के संयुक्त उपक्रम तक सीमित है क्योंकि राज्य के उत्पादन घरों के लिए उपयुक्त सरकार संबंधित राज्य सरकार है न कि केंद्र सरकार। AIPEF के पत्र में आगे कहा गया है जबकि विद्युत मंत्रालय अब राज्यों को निषेधात्मक लागत पर कोयले के आयात में शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने की मांग कर रहा है। विद्युत मंत्रालय उन अंतर्निहित कारकों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है जिनके कारण कोयले की कमी हुई है, जैसा कि नीचे बताया जा रहा है। जब CIL ने 2016 में 35,000 करोड़ रुपए के भंडार का निर्माण किया था नई खदानों को खोलने और मौजूदा खानों को बढ़ाने के लिए, तब भारत सरकार ने 2016 में इस अवशेष धन को आम बजट की ओर मोड़ दिया। इस धनराशि का प्रयोग दीर्घकालिक आधार पर कोयले की कमी को दूर करने के लिए एक अत्यंत आवश्यक उपाय था। भारत सरकार ने CIL को अपने कामकाज को उर्वर क्षेत्र की ओर मोड़ने का निर्देश दिया जो पूरी तरह असंगत था। CIL और कंपनियों के CMD और शीर्ष स्तर के पदों को वर्षों तक खाली रखने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है।
कोयले के अंतिम उपयोगकर्ता के रूप में वैगन की कमी के निरंतर अभिशाप को दूर करने के लिए रेलवे के साथ समन्वय की जिम्मेदारी विद्युत मंत्रालय की थी। जब भारत सरकार द्वारा CIL के अधिकारियों को स्वच्छ भारत के तहत शौचालयों के निर्माण का काम करने का आदेश दिया गया था और इस तरह कोयला खदानों के विकास के अपने प्राथमिक काम को छोड़ दिया गया था, तो बिजली मंत्रालय को हस्तक्षेप करना चाहिए था और कोयले की कमी को दूर करने के लिए प्राथमिकता पर जोर देना चाहिए था। इस तरह के सवाल इंजीनियर शैलेंद्र दुबे ने उठाया है और इस संदर्भ में गंभीर पत्र भी लिखे हैं। हम आपको यह बताते चलें कि बिना कोयले के थर्मल परियोजनाओं को चला पाना संभव नहीं है, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर केंद्र और विभिन्न प्रांतीय सरकारों को विशेष बैठकें करके इसका शीघ्रता समाधान करना चाहिए, ताकि प्रांतीय सरकारों के अधीन आने वाले राज्य की जो थर्मल परियोजनाएं हैं उन पर प्रतिकूल असर न पड़े। जय हिंद।